आज मैं मेरी फीमेल बेटर्स का टब साफ कैसे करता हूँ देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये है मेरे फीमेल बेटर्स का टब पूल, इसमें भी मैंने एक इंडियन आलमंड लीफ रखा है। तो अभी इसे साफ करते हैं, 4 दिन में इसे साफ करता हूँ मैं। इसमें अभी 5 फीमेल डबल टेल बेटर्स है, ये 2 मैंने इनके डिस्ट्रैक्शन के लिए रखे थे क्योंकि ये झगड़ा थोड़ा कर रहे थे इसलिए। और आप देख सकते हैं एक लेयर जैसे आ गया है, ऑयली फिलिंग या ऑयली लेयर। तो इसे पहले हमें निकालना है क्योंकि ये इनके ब्रीदिंग में दिक्कत ला सकता है। तो इसे धीरे से ऐसे निकालते हैं अभी। तो इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें फीडिंग दे रहा हूँ इसलिए सब आ गए हैं। यूजुअली मैं आने के बाद यहाँ पर ये आ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं यहाँ पर इस कॉर्नर में। तो ये बेटर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इन्हें विदाउट ऑक्सीजन रखा है, कोई स्पॉन्ज फिल्टर वगैरह नहीं है। तो एवरी थ्री टू फोर डेज मैं ये साफ करता हूँ इनका, ये जम जाता ही है। और इनके लिए फिर मैं एक बाल्टी में पानी भर के रखता हूँ, थोड़ा उसमें रॉक सॉल्ट डालता हूँ, डीक्लोरिनेटर डालता हूँ और उसके बाद मैं और एक घंटे बाद ये स्टार्ट करता हूँ क्लीनिंग। ये देखिए आप, पता नहीं आपको शायद ठीक से दिखेगा या नहीं लेकिन ये पूरा वाइट वाइट हो गया है पानी, और इसे एक अलग सा स्मेल भी आ जाता है। तो ये विदाउट ऑक्सीजन जब आप रखते हो, पानी जब स्टेबल होता है, मूवमेंट नहीं होती, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, मेल बेटा हो या फीमेल बेटा हो या कोई और फिश हो जैसे गुरामीज, जैसे विदाउट ऑक्सीजन वाले फिश है वो। स्पॉन्ज फिल्टर लगाएंगे तो बेटर है, अच्छा है वो, बट अगर आप नहीं लगा सकते तो मेंटेनेंस ज़रूरी है टैंक का। तो ये बहुत टाइम लगेगा मुझे, तो मैं इसे अभी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। तो ये पानी मैंने भर के रखा है, इसमें थोड़ा रॉक सॉल्ट भी डाल दिया है प्लस डीक्लोरिनेटर तो डालना ही है। तो अब ये हम इसमें भर देंगे। ये फास्ट फॉरवर्ड करूँगा पर आपको ये आराम से करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं भरूंगा, यहाँ पर गैप रखूंगा इतनी, क्योंकि इन्हें पानी से बाहर जंप करने की आदत है। तो इससे कम भी अगर मैंने भरा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ तक ठीक है क्योंकि एक लाइन है, मुझे पता है इसलिए। तो अब इसमें ये आलमंड लीफ डाल देंगे और ये 2 प्लांट्स है जो आर्टिफिशियल फ्लोटिंग प्लांट्स है वो इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा ये स्टक होके आ गया है, अटक कर, वो निकल जाएगा थोड़ी देर में, या चाहिए तो वापस उसे निकाल सकते हैं, ये जो वाइट वाइट आपको ये लेयर दिख रहा है वो, या फिर ये धो के नेक्स्ट टाइम डालिए, बेटर रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये फाइटर बेटा फिश का टब पूल अभी क्लीन हो चुका है और ये अब सब हेल्दी भी है, कुछ कुछ शायद प्रेग्नेंट भी है, इनके पेट में अंडे हैं शायद, पता नहीं, पता चल जाएगा।
अगर आपने मेरा बेटा ब्रीडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। मैं बेटा फिश की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जंप करते हैं इसलिए मैंने इतना गैप रखा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ जंप किए थे स्टार्टिंग में और इसलिए मैंने गैप रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने हॉबीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।